वेलकम यू ऑल इन द बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लासेज. टुडे वी हैव लर्न अबाउट इंस्टेंट मैसेजिंग. द इंस्टेंट मैसेजिंग इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट दैट ऑफर्स एन इंस्टेंटेनियस ट्रांसमिशन ऑफ टेक्स्ट बेस्ड मैसेजेज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर. इट मीन्स जो इंस्टेंट मैसेजिंग है वो आपको एक कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है ओवर द इंटरनेट, जिसमें आप क्या कर सकते हो कि इंस्टेंटेनियस ट्रांसमिशन कर सकते हो, तुरंत ट्रांसमिशन करते हो, या फिर अपन कहते हैं रियल टाइम ट्रांसमिशन करते हो. किसके बेस पे? टेक्स्ट मैस जो टेक्स्ट मैसेज है उसके बेस पे. इट मींस आप टेक्स्ट मैसेज के बेस पे रियल टाइम ट्रांसमिशन कर सकते हो, इंस्टेंटेनियस ट्रांसमिशन कर सकते हो. कहाँ पर? इंटरनेट के ऊपर. वही क्या है आपका? इंस्टेंट मैसेजिंग है. जैसे लाइक अगर अपन बात करें तो व्हाट्सएप अपन यूज करते हैं, तो व्हाट्सएप में अपन क्या करते हैं, जब मैसेज सेंड करते हैं तो वो उसी टाइम के अंदर कहाँ पे चला जाता है, जो आपका रिसीवर रहे होता है, या अपन कहते हैं जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वहाँ पर पहुँच जाता है. इट मीन्स ये सारा का सारा काम किस में हो रहा है? रियल टाइम में हो रहा है, तुरंत हो रहा है. या फिर अपन कहते हैं कि सामने वाला जब टाइप करता है तो आपके व्हाट्सएप पे ऊपर लिखा हुआ आता है टाइपिंग. इट मीन्स कि ये सारा का सारा काम किस में हो रहा है? रियल टाइम में हो रहा है. देन ये क्या है? इंस्टेंट मैसेजिंग. टू यूज इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर ए यूजर मस्ट हैव ए वैलिड मैसेज अकाउंट. जब किसी भी इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर को यूज करना होगा तो आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए? वैलिड मैसेजिंग अकाउंट होना चाहिए. आपके पास उस जो सॉफ्टवेयर है उसका एक अकाउंट होना चाहिए. देन सम की फीचर्स ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर, क्या क्या अपन कर सकते हैं. तो फर्स्ट आता है सेंडिंग टेक्स्ट मैसेजेस टू मोर देन वन पर्सन एट सेम टाइम. आप एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा जनों के पास मैसेज सेंड कर सकते हो. जैसे अपन व्हाट्सएप में करते हैं, ब्रॉडकास्ट बनाते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, तो उसमें अपन क्या करते हैं, एक ही मैसेज को मोर देन वन पर्सन के साथ सेंड करते हैं. ऐसे आता है ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. इट मीन्स आप ऑडियो और वीडियो कॉल भी कर सकते हो. नेक्स्ट आता है मैसेज हिस्ट्री फॉर फ्यूचर रेफरेंस. क्या आप मैसेज हिस्ट्री भी आपके पास होगी फ्यूचर रेफरेंस के लिए. नेक्स्ट आता है ट्रांसफरिंग ऑफ फाइल. यहाँ पे आप फाइल ट्रांसफर भी कर सकते हो. जैसे कि अपन व्हाट्सएप में करते हैं, कोई भी पीडीएफ फाइल होती है, कोई म्यूजिक फाइल होती है, कोई वीडियो फाइल होती है, या कोई टेक्स्ट फाइल होती है, उसको भी अपन क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं. तो वो भी आप किसी भी इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर में कर सकते हो. नेक्स्ट आता है वो आता है इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर आर टू टाइप्स. दो टाइप के आपके इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है वो आता है एप्लीकेशन बेस्ड. एप्लीकेशन बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर इज डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल ऑन द यूजर कंप्यूटर और डिवाइस है. इट मीन्स जो एप्लीकेशन बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर होंगे वो डाउनलोड होंगे, इंस्टॉल होंगे. कहाँ पे? या तो कंप्यूटर यूजर पे होंगे, अपन कह सकते हैं कंप्यूटर डिवाइस जो सॉरी यूजर कंप्यूटर पे होंगे, या फिर कंप्यूटर जो यूजर डिवाइस पे होंगे. जस्ट लाइक गूगल हैंगआउट्स, याहू मैसेंजर, विंडो लाइव मैसेंजर, या अपन कह सकते हैं व्हाट्सअप, या अपन कह सकते हैं वीचैट. ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? आपके एप्लीकेशन बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट आता है वो आता है वेब बेस्ड. वेब बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर इज एक्सेस यूजिंग वेब ब्राउजर्स. इट मीन्स अपन उसको कैसे एक्सेस करते हैं? वेब ब्राउजर से करते हैं, सच एज मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इनका अपन यूज कर सकते हैं. अब इसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे मीबो मैसेंजर है, एमएसएन वेब मैसेंजर है, ईमो मैसेंजर है. ईमो की तो एप्लीकेशन भी आती है, आपने देखा होगा, अपन स्मार्टफोन में यूज करते हैं. और अगर इसको अपन को कंप्यूटर पे यूज करना है तो इसको अपन वेब ब्राउजर से एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, तो ये अपने क्या है? वेब बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर.